गुड मॉर्निंग, हम आए हैं ट्रोम्सो, नॉर्वे का बहुत ही सुंदर सा शहर है ट्रोम्सो, जहाँ पे मैजिकल नॉर्दर्न लाइट्स दिखती है। और आज मैंने और अशर ने ब्लैक कपड़े पहने हैं। ये हाई फाइव, गिव मी हाई फाइव। ओके, चले फिर घूमने, कोई दिखाए ट्रोम्सो कैसा है। हाँ मामा, जल्दी चलो, मुझे शॉपिंग कराओ बहुत सारी। और देखो मैंने कितना क्यूट सांता पापा वाला स्वेटर पहना हुआ है। चलो बेटा, कवर्ड रहना है हमने, बाहर बहुत ठंड है और 2 बज रहे हैं। चलो आपको दिखाते हैं बाहर क्या माहौल है, लेट्स गो। तो भाई बाहर निकल के आए हैं और यहाँ तो अशर का कॉलर भी नहीं चल रहा, सारी बर्फ ही बर्फ है। बाहर निकलते हैं और हर्ष का वेट करते हैं। और एक और दरवाजे से बाहर निकल के इतनी बर्फ, भाई कहाँ जाएं, किस कोने जाएं। तो भाई अभी नॉर्वे में चल रही है पोलर नाइट, दैट मीन्स सन निकलता ही नहीं है, और निकलता है तो एक आधे घंटे के लिए निकलता है, आज तो निकला ही नहीं है। तो कम्प्लीटली डार्क है, दोपहर के 2 बज रहे हैं और ये हाल है इस टाउन का, सब अंधेरे में लुक एकदम। चलो चलते हैं, आपको ट्रोम्सो की मार्केट दिखाते हैं। ट्रोम्सो की मार्केट काफी हैपनिंग है। हमारा एयरबीएनबी ट्रोम्सो की मेन मार्केट से, सारे अट्रैक्शन से 5 मिनट्स की डिस्टेंस पे है। तो मैं लिंक कर दूंगी एयरबीएनबी, आप लोगों को अगर बुक कराना हो ट्रोम्सो आओ, तो यहाँ रुक सकते हो, काफी अच्छा है। एंड गाड़ी रेंट करनी हो तो मैं लिंक दे देती हूँ यहाँ पे, आप गाड़ी भी रेंट कर सकते हो टोनी से, बहुत अच्छा बंदा है यार, बहुत ही आपको कंफर्टेबल फील कराएगा। और चलो ट्रोम्सो की हैपनिंग मार्केट दिखाते हैं। अशर पापा कहाँ रह गए? मामा पापा भी अंदर है, 2 मिनट रुको, वेट करो, आ रहे हैं। और अशर बाहर टाउन देख रहा है और फाइनली अशर के पापा आ गए। भाई कितना टाइम लगा दिया आने में, बाप रे इतनी बर्फ बर्फ, तुझे अंधेरा नहीं दिख रहा, टाइम क्या हुआ है? शिट, तूने 6-7 बजा दी ना निकलते निकलते। भाई 2 बज रहे हैं। नहीं यार, अरे इसकी घड़ी नहीं निकल रही यार, 2:43 तीन बजने वाले हैं। अच्छा हाँ। फिर तो मैंने ज्यादा बता दिया, मुझे लगा 2 बज रहे हैं, 3 बजने वाले। चलो चलते हैं। वैसे कितने सुंदर कलरफुल से घर है यहाँ पे, आप देख रहे हो, समर्स में तो और भी सुंदर लगे होंगे यार। समर्स में आना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, चलो चलो, कुछ दिख ही नहीं रहा। तो चलते चलते मार्केट की तरफ, हमको ये क्यूट क्यूट सी चीजें दिख रही है, पोलर बियर दिख रहे हैं, अभी तक क्रिसमस की डेकोरेशन हो रखी है। तो अभी से ग्रीन स्काई दिख रहा है, नॉर्दर्न लाइट्स आ गई। तो आज हमने ऑरोरा मैप चेक करी है और उसके अकॉर्डिंग फोरकास्ट में ना हाई चांसेस है कि आज ऑरोरास दिखने वाले हैं, ग्रीन स्काई होने वाला है। तो लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट, नॉर्दर्न लाइट तो आज देख ही रहूंगी मैं। सो वन ऑफ द मेनी रीजंस लोग ट्रोम्सो आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें नॉर्दर्न लाइट्स देखनी होती है, और क्योंकि आर्कटिक के बहुत पास है तो यहाँ पे नॉर्दर्न लाइट दिखने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। वैसे ना टूर्स लेने पड़ते हैं और कुछ ऐसे स्पॉट्स पे जाना पड़ता है जहाँ पे ना चांसेस ज्यादा हो, सिटी लाइट से दूर जाना पड़ता है, पर अगर किस्मत अच्छी हो तो कई बार सिटी में भी दिख जाता है। तो आज किस्मत अच्छी होनी चाहिए। और हम चलते ही जा रहे हैं, बस चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। आ गया ओल्ड टाउन। चल तो हर्ष, इतना इधर उधर मत देख, हमारा फर्स्ट स्टॉप वही होने वाला है नॉर्डलीज। यहाँ से मुझे लेना है अपने लिए एक मैग्नेट। तो तूने स्टॉकहोम में तो मेरा मिस करा दिया था, बट मैं यहाँ पे नहीं मिस करने वाली, मैं आज ही ले लूंगी। ऑल्दो हमें यहाँ पे 2 दिन और है, बट मैं आज के आज अपना मैग्नेट लेने वाली। हर्ष असली में तो मिला नहीं रेंडियर, अशर को यही वाले रेंडियर से मिलवा दिया है। अबे अशर को क्या ही पता, अशर ही असली वाला है। अशर को कोई इंटरेस्ट ही नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार। अशर रेंडियर है, रेंडियर। मम्मा मुझे पता है ये नकली है, नकली। यार कितने क्यूट क्यूट कपड़े हैं, प्यारे लग रहे हैं। वैसे अशर के लिए तो मुझे यहाँ कोई ऐसा दिख नहीं रहा, इसकी एज से ऊपर हो चुका है। तो गर्मियों वाले हैं यार, ये तो आए देखें, बैग्स अच्छे लग रहे हैं यार ये वाले, वाइब्रेट करता है। हर्ष ये बहुत अच्छा लग रहा है, आई थिंक ये इनका लोगो है, बाहर लगा हुआ है, अभी दिखाती हूँ तेरे को। मुझे अपने और अशर के लिए ये पसंद आया, इस पे नॉर्वे लिखा हुआ और ये रेनडियर है, ये लेटा हुआ गिरा हुआ रेनडियर है, कोई अच्छा रेनडियर उठा ले यार, अच्छा लग रहा है, जिसकी सांसें हो, जो बड़ा दिख रहा हो, सुंदर सुंदर लग रहे हैं देखिए। वैसे ये कितने क्यूट है सांता बाबा, सब कुछ क्यूट। वैसे यहाँ की करेंसी में 1800 रुपए के, तो फिर वर्थ नहीं है मेरे हिसाब से, अच्छे हैं यहाँ की करेंसी नहीं, इंडिया की करेंसी। हाँ मतलब वही बात है। अब क्या पसंद आ गया यार, अब अशर कह रहे हैं कि इसी जगह ये वाले लेते हैं, उसको ना इसके कपड़े ज्यादा अच्छे। अशर ये वाला लेना, अशर तो कुछ बोल ही नहीं रहा, सोया पड़ा है अशर। अशर ये वाला बेबी, अच्छा आप बताओ कौन सा, ये आपके कपड़ों से सारे मैच कर रहे, उसने इस पे हाथ कर दिया, ठीक है ये वाला दिख रहा है ना उसको, इसलिए प्रेरणा ये इतने सारे मैग्नेट है, 69 के हैं और मुझे कोई भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा लग रहा है 690 का पड़ेगा, तो ये उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आगे देख लेते हैं, पता और बहुत सारी शॉप है, बेस्ट है बेस्ट, एक्चुअली ये नहीं ये वाला ही लेते हैं, दिस इज नाइस, इसमें नॉर्दर्न लाइट्स भी दिख रही है। इसमें है क्या ऐसा, ये सामी यहाँ के लोग होते हैं, लोकल रेनडियर है, इनका फ्लैग है और स्नोई स्लेज वगैरह लेके हैं। मैं कह रहा हूँ आगे देख लेते हैं, थोड़े और अच्छे दिख जाएंगे। नहीं नहीं डन नहीं डन, यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं, जैसे सॉक्स हैं, छोटी छोटी अशर के लिए सॉक्स हैं, कपड़े पसंद आ रहे हैं, ऐसे तो सब कुछ ही शॉप कर लो, बट इतना सब बैग में नहीं फिट कर पाएंगे ना। प्रेरणा बैग में तो ये भी नहीं आएगा जो तूने लिया है, अब ये तो हम ले रहे हैं। और फाइनली जो मुझे चाहिए था वो मैंने ले लिया, बाय बाय रेनडियर, बाय बाय मिस्टर रेनडियर। तो हम लोग ना थोड़ा सा लेट रन कर रहे थे, एज ऑलवेज हम लोगों ने अपने ना टूर्स बुक नहीं कराए थे और अभी सारे टूर्स बुक हो चुके हैं। कल के लिए हमें जाना था व्हेल वॉचिंग ट्रिप पे, अब उसमें कहीं पे भी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हमने क्या डिसाइड किया कि हम कंपनीज के पास जाके उनसे पूछेंगे कोई अवेलेबिलिटी है तो प्लीज हमें भी ले जाओ। और पहली कंपनी है नॉर्वेजियन ट्रैवल, चलो इनसे पूछते हैं कोई वेल वॉचिंग एक्टिविटी है कल हमारे लिए, तो करा दे हमें भी, वेल्स दिख जाएंगी। यहाँ पे सारे टूर्स दिखा रहे हैं, अभी वेल्स वाला आया था, ये आ गई वेल्स, ये टूर देखना था मेरे को और
अशर को, तूने बुक नहीं कराया ना हमारे लिए? लेट हो गए यार हम। हर्ष क्या हुआ, नहीं मिला कुछ भी? कुछ भी अवेलेबल नहीं है, नथिंग। अशर का दूध तो बन सकता है, वो तो अवेलेबल है। वो देख बर्गर किंग, बर्गर खाए। वाओ कितनी बढ़िया चीज बताई है तूने। चल यार बर्गर खाते ना। नहीं मुझे नहीं खाना, अब मुझे वो बबल टी पीनी है। अबे वेज मिलेगा ही नहीं बर्गर। हाँ एग्जैक्टली, पर बबल टी तो मिल जाएगी। अब ट्रिप खत्म होने वाला, जूते लेने का तूने? मेरे को कुछ नहीं लेना भाई। हाँ सही है, सीधी सीधी चलती रहे, बस मेरी फोटोज खींच दे। पेरिस बुगैटी खाए, पेरिस बुगैटी। हॉट चॉकलेट कॉफी पीना, हॉट चॉकलेट कॉफी, कॉफी 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 पीना। नो यार बोलिंग हो रही है यहाँ पे, बोलिंग करें एंटरटेनमेंट थोड़ी देर। अरे यार हर छोड़ दे भाई, कुछ नहीं करना मुझे यार, कुछ तो बता, बोर हो रहा हूँ। तो अंधेरे अंधेरे जैसी जिंदगी है यहाँ पे। ये देख लो 3:20 हुए हैं और सब अंधेरा है। अंधेरा कायम रहे प्रेरणा, वहाँ कुछ रोशनी दिख रही है, वहाँ कुछ है। लेफ्ट में कैथेड्रल है शायद, कुछ तो है। ये सही है यार, यहाँ पे सीट सही बनाई हुई है, यहाँ पे बंदा आराम से फर पे बैठ जाए। कितने अच्छे शॉपकीपर्स है, सोचते हैं लोगों के बारे में, लोगों को वार्म रखते हैं। प्रेरणा वहाँ देख, ठेला लगा हुआ है, ठेला। क्रेप्स खाने, यार कितनी लंबी लंबी लाइंस लगी हुई है ठेलों पे। भाई जो भी ठेला ना, इतनी लंबी लाइन। ये सब इंडिया आ गए, ये तो मैं वही कह रही हूँ, ये सब इंडिया आ गए तो ये तो भाई जाएंगे नहीं, है तो लाइनों में खड़े हो जाएंगे। अबे हम यहाँ इंडिया बनाते हैं ना, गोलगप्पे का ठेला लगाते हैं। गुड बिजनेस आइडिया, नेक्स्ट टाइम से ना गोलगप्पे लेके आए करेंगे सिर्फ 8-10 पैकेट और बेचेंगे, और बेचेंगे। भाई कितने अच्छे से डेकोरेटेड है प्रेरणा सब, सही में कितना सुंदर लग रहा है ना। लाइट एकदम है, कि मैं वहाँ पे वॉक करूँ लाइट के नीचे। हाँ वहाँ गाड़ी आएगी तेरे को उड़ा जाएगी। तभी तो मैं कर नहीं रही यार। सीधा चलो, नो स्ट्रेस में चले, नो स्ट्रेस यार, कहीं तो चल ले, कुछ खिला दे। अच्छा सुन, तूने क्या कहा था, क्रिसमस केक खिलाएगी मेरे को? हाँ। बस ढूंढ अब, चल आज तेरा ये लक्ष्य है, तेरे को मेरे को क्रिसमस केक खिलाना है। चल मैं खिलाऊं, और नहीं खिलाना, बिल्कुल ऑथेंटिक चाहिए मुझे। मैं बनाऊंगी तेरे लिए अगर नहीं मिलता। नहीं नहीं नहीं, मुझे बाजार का खाना, तेरा बना हुआ नहीं खाना। मेरे को रिस्क लेने का ही नहीं है। आ यहाँ बैठते हैं, अशर को दूध पिला। अशर ने दूध पी लिया है, अब क्या करें? पापा तेरा दूध पिलाओगे तो चच्चा के ना पिला भी दिया करो। भाई एक्टिव हो गया एकदम, दूध पी के आने दो, ठंड कहाँ है ठंड। भाई ये बंदा ना इतना वो है, इसको हाथ भी नहीं कवर करने, मैंने अंदर डाले बाहर निकाल दे रहा है। क्या रहे, मेरे को फुल फन करने दो, मेरे में बहुत पावर है, क्या समझ हो तुम? ठंड लग जाएगी, हो जा कवर। अशर बेटा हैंड अंदर रखते हैं, बाहर नहीं। क्या देखी जा रहा है, क्या देख रहे? मुझे भी नहीं पता मैं क्या देख रहा हूँ, बस सुंदर है जगह, जगह जगह रुक जाती है। क्या पसंद आ गया अब? यार दिखा तो मुझे पोलर बियर था, बट अभी मेरे को एक और चीज दिख गई, मुझे यार वो वूल वाला वो नहीं लेना था, पश्मीना वाला जो पूरा कवर कर लेते हैं यार, ये ना सब बेकार होता है, कोई 100% नहीं। नहीं मैंने उस होटल में देखा था, बहुत अमेजिंग था, मुझे लेना है। प्रेरणा हमारे बैग में जगह नहीं है, ब्लैंकेट है पता है 100%। हाँ तो ये लेके जाना है मुझे, नहीं आएगा। अरे बहुत अच्छा होता है, बैग में नहीं आ सकता, कोजी हो जाते हैं, अशर के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पे रखेंगे इसके ऊपर। चलो क्या देख यार, ये यार सारे ट्रिप तो खत्म हो गए, क्या करेगा ये लेके? ये देख यार है बहुत अच्छी है, एकदम वाइकिंग वाली फील आ रही है ना। ले ले क्या सच में? हाँ भाई गॉड, 2000-3000 रुपए की है। शीशा का ने वो व्हाइट कैप क्यों नहीं ली भाई? वो ना उसके ऊपर वो जो था ना वो अच्छा ही लग रहा था, बाकी सब अच्छा था। हाँ चल तेरे को वैसी अच्छी जैसी चाहिए ना वैसी दिलाती हूँ कैप, मुझे लगता है सिटी टू समिट में मिलेगा। नहीं नहीं आज रात का बहुत अच्छा ट्रिप है, चलते हैं। भाई जितनी तेजी से गए थे अंदर उतनी तेजी से बाहर आ गए, 10-10, 15-15 हजार की कैप भाई, वो भी एक। मेरे को लगा कि कोई पैकेज होगा, 3-4 चीजें होंगी, एक कैप 15,000 की। भाई यहाँ पे रेनडियर के साथ पूरा ऐसे वो चल रहा है सेशन, मेरी भी खींच दे यार। ये असली का नहीं है ब्रेंडन, उनको बता दे, उन्हें भी पता है कि असली का नहीं है, मेरी भी खींच दे यार। चल 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 जितनी मर्जी यार, पर कितने क्यूट लग रहे हैं यार ये देखियो, वाओ सो क्यूट यार। किधर अशर अब कह रहा है उसको भूख लग रही है तो हम यहाँ जा रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, कुछ भी हो हम यहाँ जा रहे हैं। कुछ मिलेगा खाने का? जब बाहर ठंड लगने लग जाती है ना तो किसी भी स्टोर में घुस जाओ, एटलीस्ट हीटर होता है, अच्छा लगता है। कुछ खिला भी दियो पर, कितना वार्म है यार। यहाँ बैठते हैं ओवरलुकिंग स्ट्रीट, बैठ गया अपनी बेबी चेयर पे और सबसे ज्यादा यही खुश होता है कहीं बैठो तो। मैं और अशर बैठ गए मजे में और अशर के पापा लेके आ रहे हैं हमारे लिए पिज्जा कॉफी और बहुत सारा खाना। अशर कितना सुंदर सा कैफे है ना, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ मामा है तो बहुत बढ़िया है, ठंड भी नहीं लग रही है, तो बहुत गर्मी है। हे अशर चलो आओ कैफे लाते बनाए। तो यहाँ से हम लेंगे ग्लास, यहाँ रखेंगे अपना ग्लास और हम बनाएंगे चाय लाते, और चाय लाते रेडी है। चलो भाई चाय लाते पीते हैं। फर्स्ट ने ले लिया हमारे लिए पिज्जा, भाई पिज्जा ही समझ में आता वही लेंगे। सही बात है, सही चीज से ले आया तू, जल्दी जल्दी खा ले अभी तो गर्म भी है। तूने आज अपने फेवरेट 7-Eleven नहीं खाया? नहीं मैंने कहा कुछ डिफरेंट कुछ चेंज, वरना मैं कहेगी हमेशा 7-Eleven पे ले जाता है। बस कैसा पिज्जा? बहुत टेस्टी। और चाय लाते? बेस्ट। यार देखिए मैं लेके आया हूँ, ये ना मेरे को थोड़े थोड़े वैसे लग रहे थे क्रिसमस केक जैसे ना। मैंने कहा तू तो खिलाएगी नहीं, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाएगी, मैं खुद ही ले आता हूँ। सही अच्छा होगा। चलो भाई अशर तू क्या खाएगा? पिज्जा। दूध नहीं पिज्जा खिला रही है। अशर बड़ा हो गया, बड़ा सैंटा। चाय भी पिला दे फिर उसे। अभी सिर्फ साइड की थोड़ी थोड़ी ब्रेड ही दी है क्योंकि फिर वो जिद करता है, साथ में बिठा के खिलाना भी तो उसे खाना है उसे। तो भाई अपने ट्रिप की पहली दूध वाली चाय पी है, वो भी 300 रुपए की, 300 से भी ज्यादा की है, पर मजा आ गया, एकदम गर्म थी बढ़िया। वैसे 300 रुपए में मैं सोच रही हूँ इंडिया में तो बगान आ जाए मेरा। ये देखो इसको बड़े मजा आ रहे हैं। वाओ क्या पिज्जा खाया तूने यार अशर, यम्मी यम्मी।
अब हर्ष खाने वाला है सुल्तान भाई के स्कोन। पता नहीं क्या है सुल्ताना स्कोन्स, पता नहीं क्या है कॉर्न्स, यूके के होते हैं ना कॉर्न्स। जिसको सही सही पता हो बता देना भाई, हमारी इंग्लिश मत जज करना। ये पता है क्या है? ये मीठी ब्रेड है। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, फ्लोर होता है और उसके अंदर कुछ कुछ मिलाया होता है, मीठा मीठा होता है, बहुत ही बेकार है भाई। तो बाहर से पोलर बियर देख के मेरे से नहीं रुका जा रहा, अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा जो चाहिए भाई। मेरी चीज मिले ना मिले, हर को यहाँ पे इतना बड़ा रेनडियर मिला है। ये तो बिल्कुल असली लग रहा है यार। अब तो तुझे असली नहीं देखना ना, मेरे को पहले भी नहीं देखना था। अशर देख रहा हूँ कितना बड़ा रेनडियर है बेटा, क्या सुंदर है बाबा। और ऐसे ही चलते चलते बस घूम रहे हैं। हर्ष ऐसी बार है ना, यहाँ पे हमेशा लाइन लगी रहती है, कितनी छोटी क्यूट ही बार है। हॉट डॉग मिल रहा है, कुछ सोए वेगन कुछ मिल रहा है भाई, हर टाइम लाइन लगी रहती है। सही है, पिछले दो दिन से यही देख रही हूँ मैं, लाइन रहती है। कब लाइन खत्म होगी, कब हम भी कुछ लेंगे इससे। सो गाइस ऑल इन ऑल 4 दिसंबर में ना दिन नहीं निकलता, जो सच बात यही है। और अगर आप लोगों को अंधेरे में रहना पसंद नहीं है, उजाला चाहिए, सन चाहिए, तो दिसंबर में मत आओ, एक्चुअली सितंबर तक आओ। नवंबर दिसंबर में रिलेटिवली लाइट कम रहती है, बट अपना चार्म है यार हर जगह का हर टाइम। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, और बहुत ही क्यूट छोटा सा प्यारा सा टाउन है, ये देखने में बहुत मजा आ रहा है। हर्ष तू क्या कहता है भाई? मैं तो कहूंगा डोंट प्लान अ ट्रिप टू नॉर्वे इन दिसंबर है नवंबर, सच में भाई बिल्कुल नहीं निकलता ना, हमें धूप की आदत है, धूप परेशान हो चुका है, धूप चाहिए धूप, और स्नो ही स्नो है, स्नो ही स्नो है। मुझे बबल टी पीनी है, चलो भाई मेरे को अपनी दुनिया में बबल लेके आने। बबल ऐसे वाले बबल आएंगे यार, बहुत रश है हर्ष, बाद में आएंगे बाद में। हर्ष लाइन है भाई, बहुत लंबी लाइन है, बाद में आएंगे बाद में। मैं ये वाली पी लेता हूं। ठीक है ओके भाई। ये बंदा देख यार, ये तो सही मस्ती कर रहा है यार, इसको ठंड भी नहीं लग रही यार। बेटा डांस कर रहा है इसलिए, मैं भी डांस करूंगा ना, मुझे भी ठंड नहीं लगेगी। ऐसा करते फिर भंगड़ा कर ही लेते हैं, पर हिम्मत चाहिए, गट्स चाहिए ऐसे हाफ स्लीव शर्ट पहन के घूमने के लिए। -5 degrees है, फील्स लाइक -10, बहुत ठंड है सच में। जस्ट इन केस हर्ष तुझे हेयर कट कराना हो तो यहाँ पे बहुत सारे बार्बर्स की शॉप है। पैसे देख रही है, 3000 से हेयर कट स्टार्ट है। 3000? जावेद अभी आएगा क्या यहाँ पे कराने? वो भी 3000 नहीं लेता होगा यार, वो भी से कम लेता है भाई। कुल मिला के ना यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, 3000 रूपए का हेयर कट, बाप रे। तो गाइस वहाँ पे हमारा घर है जो हमने रेंट कर रखा है, पर अभी हम जा रहे हैं जोकर, वो सामने स्टोर दिख रहा है ग्रोसरी स्टोर, वहाँ जा रहे हैं भाई। दो जोकर आ गए हैं जोकर में, ग्रोसरीज देख लो, ओरियो मिल रहा है 350 रूपए का। मैंने एक ग्रीन टी देखी थी, सोचा घर ले जाऊंगी, 770 रूपए की, मैंने कहा नहीं भाई। कुछ इतना महंगा क्यों है भाई? क्योंकि ये ट्रोम्सो है और नॉर्डिक कंट्री है, और ये महंगी है, और ये यूरोप है। कोक यहाँ पे 190 रूपए की बड़ी बॉटल, कोक यहाँ पे 190 रूपए की बड़ी बॉटल, ये सस्ती है बल्कि नहीं, वैसे इंडिया के हिसाब से भी महंगी है। और ये लिया हर्ष ने जूस, एप्पल कैरेट ऑरेंज भाई, चॉकलेट टॉफीज भी है यहाँ पे 200-250 रुपए की, प्रिंगल्स हैं 380-450 के, चिप्स हैं, पॉपकॉर्न्स हैं, योगर्ट है यहाँ पे, योगर्ट है 190 रुपए का एक। तो ये हमारे घर के पास है जोकर, इसलिए हमने यहाँ से ले लिया। अदरवाइज 7-Eleven, कूप और कीवी, बहुत सारे और भी ब्रांड्स हैं जहाँ से आप ग्रोसरी ले सकते हो, एनीथिंग दैट वर्क्स फॉर यू। और लौट के बुद्धू अपने अपार्टमेंट को आए भाई, अशर का स्टोर ना मैंने 4x4 कर दिया, देख कैसे स्नो में चल रहा है। सही में थी मुश्किल होती है, नहीं तो यार बढ़िया चल रहा है तरीके से एकदम जम के। अरे नजर लग जाएगी मत बोल, छोड़ दो अशर को स्लाइड करता हुआ जाएगा। नहीं यार भाई बड़ी मुश्किल हो रही है पर चलने में सही है। बर्फ जब नई नई होती है तब सही होता है, दो दिन बाद जब जम जाती है ना, ओ भाई उसके बाद तो जो स्लिप पे मारते हैं भाई, ये स्नोफॉल होती रहनी चाहिए तब तक सही रहता है। पर यार कितनी सुंदर जगह है ना, यहाँ से देखियो कलर ही कलर। चलो फिर अपने कलर्स देखेंगे, लेट्स गो। और ये राइट हमारे अपार्टमेंट के सामने, ये हमारा अपार्टमेंट है और ये बर्फ में बिल्कुल कवर्ड है। चलो भाई अशर सोते सोते गृह प्रवेश करो एक बार फिर से। तो ये हमारा कोजी सा लिविंग एरिया है जो हमने काफी फैला दिया है, और ऊपर सीढ़ियां चढ़ के जाओ और दो रूम्स हैं। ये तो बिल्कुल हमारे घर की तरह है, पर वॉशरूम नहीं है ना ऊपर।